Assalamualaikum my YouTube family and friends, कैसे हैं आप सब? Hopefully आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं खदीजा और आप देख रहे हैं जी फतेहपुर सीक्रेट्स। सो अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गई हूं बहुत ही मज़ेदार और यमी किस्म की रेसिपी के साथ। जी आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल में दम भिंडी। इतनी टेस्टी बनती है, इतनी टेस्टी बनती है जी। गर्मियों में गोश्त खाने को कम दिल चाहता है दाल सब्जियाँ खाएँ, और अगर दाल सब्जियाँ मज़ेदार किस्म की बनी हुई हों तो क्या ही बात है। सो चलिए जी इसे बनाना जो है हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम चीज़ों के साथ इसे बनाएंगे और बहुत टेस्टफुल होंगी और घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनेंगी। इसमें मज़ीद कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ना कोई ज़्यादा मसाले डलेंगे। सो चलिए बहुत आसान तरीके से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू फतेहपुर सीक्रेट्स। इन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमने 1 किलो जो है वो भिंडियाँ ले ली हैं, ठीक है, और इसे वॉश करके इस तरह से कटिंग कर ली है। एक भिंडी के 3-3 पीसेज कर लिए, ठीक है। और इसके बाद हमने 4 अदद जो है प्याज ले ली है, बड़े साइज़ में, बिकॉज यानी कि इसमें प्याज बहुत अच्छा लगता है ज़्यादा। आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग कम भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं ज़्यादा प्याज डाल रही हूँ। और 2 अदद हमने टमाटर लिए, उन्हें चॉप कर लिया है, और 10 से 12 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं, उन्हें बारीक बारीक कटिंग कर लिया, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी और स्पाइसेस हम साथ साथ ऐड करेंगे। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है जिसके अंदर 1 कप ऑयल हमने ऐड कर दिया, और उसके अंदर अपना प्याज जो है हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने इसे जस्ट सॉटे करना है, ठीक है, हमने इसे गोल्डन भी नहीं करना, जस्ट सॉटे करना है। और ये इसी तरह बनती हैं और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। इस तरह से आप ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगी, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगी और आप लोग जो है इसे बहुत इंजॉय करेंगे। और चलिए जी, और बहुत आसानी के साथ बहुत कम टाइम में जो है ये ईजीली बन जाती हैं, ठीक है। सो इसे प्याज को जो हम अच्छी तरह मिक्स करके इसे कवर करके रख देंगे, और 5 मिनट बाद जो है देखिए हमने कवर उठाया इसका, तो हमारी प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉटे हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसे अच्छी तरह से जो है मिक्स करेंगे अपने प्याज को, और इसके बाद जो है हमने क्या करना है, इसके अंदर अपनी भिंडियाँ ऐड कर देनी है, ठीक है, जो हमने कटिंग करके रखी हुई थी। और ये सारी भिंडियाँ जो है हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, ठीक है, इन्हें अच्छी तरह से इसके साथ फ्राई करेंगे अंटिल जब तक जो है इसकी लेस थोड़ी सी कम ना हो जाए, ठीक है। ये देखिए हम बहुत अच्छी तरह से जो है इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं, इसे इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए, मीन इसको चलाते हुए जो हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, ताकि ये लगे भी नहीं नीचे और अच्छी तरह से जो है ये मिक्स भी हो जाए, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो है अपनी स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। मैंने 1 टीस्पून जो है भर के इसके अंदर नमक ऐड किया, और 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया। हम इसमें हल्दी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें हमने अपने टमाटर ऐड कर दिए हैं जो हमने चॉप करके रखे हुए थे, और इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इतनी मज़ेदार टेस्टी किस्म की बनती हैं, स्मेल भी बहुत अच्छी इसकी आ रही होती है। और देखिए बहुत ही कम मसाले हमने इसमें डाले हैं, ज़्यादा कोई मसाले नहीं डाले हैं, बिकॉज़ गर्मी में जो है ना ज़्यादा मसाले खाने को दिल नहीं चाहता, और अगर कम मसालों के साथ टेस्टी चीज़ बन जाए तो हमें और क्या चाहिए। देखिए हम इसमें हमने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी, बिकॉज हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा इसलिए ऐड करनी है कि हमने लाल मिर्च का पाउडर बहुत कम डाला था, ठीक है। इसका सारा टेस्ट हरी मिर्च से आता है, बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट हो जाता है हरी मिर्च के साथ, जब इसका फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा आता है। सो चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हम भून लेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से जो है हम इसकी भुनाई कर लेंगे। और इसमें हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, ओके। ये जो हमने इसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड किए ना, टमाटर वगैरह और प्याज वगैरह, ये इसी के पानी से जो है ये कुक हो जाएंगी। और अब हमने क्या करना है, ये देखिए हमारी अच्छी तरह से ये भुन चुकी हैं भिंडियाँ, ठीक है। अब हमने जो है इसे कवर लगा के रख देना है जी दम पर, ठीक है, दम पर हमने इसे रख देना है 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाए। हमने एक तवा रखना है, उसके ऊपर ये इसे इस तरह से रख देंगे 10 मिनट के लिए। चलिए जी 10 मिनट हो चुके हैं, अब अपनी भिंडियों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ज़रा हम भिंडियाँ चलाकर देख रहे हैं, थोड़ी सी मॉइस्चर इसमें बाकी है पानी का, तो हम इसे कवर नहीं लगाएंगे। अब हम इसे इसी तरह खोल कर जो है 1 से 2 मिनट तक जो है वो पकाएंगे, और इसके बाद जो है बिल्कुल ये देखिए ये हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छी मज़ेदार किस्म की हमारी भिंडियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, और इतनी टेस्टी खुशबू आ रही है, इसे देखकर ही भूख लग जाती है इंसान को। सो चलिए मैं आपको जो है वो डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। सो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत टेस्टी किस्म की हमारी ढाबा स्टाइल दम भिंडी जो है वो रेडी है, और इसे हम गार्निश करेंगे बारीक बारीक हरी मिर्चों के साथ, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड किया है। इस तरह अच्छा लगता है, खूबसूरत लुक वाइज बहुत प्यारा लगता है। सो चलिए, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, बिकॉज उससे आने वाली डेली वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचाती है, और ये बिल्कुल फ्री होता है। और आप लोग को जो इसके अलावा कोई भी रेसिपी चाहिए हो तो
माशाल्लाह मेरे चैनल पर जो है वो हर रेसिपी मौजूद है, आइसक्रीम की रेसिपी, पुलाव की रेसिपी, कढ़ाही गोश्त की रेसिपी जो है हर किस्म की रेसिपी मौजूद है। आप लोगों ने क्या करना है, कढ़ाई गोश्त, चिकन कढ़ाई गोश्त चाहिए, मटन कढ़ाई गोश्त चाहिए, बीफ कोरमा चाहिए, आपने लिखना चाहिए चिकन कढ़ाई गोश्त रेसिपी बाय फातेह फूड सीक्रेट्स, तो इजीली आपको मिल जाएगी और मैं बहुत इजी वे में आपको खाना बनाना सिखाती हूँ। सो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।